तो आपने देख लिया होगा आज को डिफरेंट होने वाला है. मैं आपको क्या समझा रही हूँ, आपने टाइटल पढ़ लिया है, आपने उसे देख लिया है. सो यू नो आई एम हैविंग अ ट्रिप आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम, यू नो. एंड यू नो लास्ट ट्रिप दैट आई हैड वाज इन 2019 मेरे बर्थडे व्हेन आई वेंट टू लंदन. मैंने उसका भी ट्रैवल लॉग डाला था. सो अब छोटी सी ट्रिप है, पर मैंने सोचा मैं आप सबको साथ लेके चलती हूँ. एंड बहुत टाइम से ट्रैवल लॉग भी नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रैवल ही नहीं हुआ है. तो मैंने सोचा कि कुछ यू नो डिफरेंट बनाया जाए, कुछ ट्रैवल किया जाए. तो छोटी सी ट्रिप है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो व्हेन आज विल बी अभी इट्स 7:44. बहुत जल्दी है गाइस, बहुत ज़्यादा जल्दी है. इससे जल्दी हम नहीं जा सकते. वी आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, स्पेशली आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन. प्लीज़ मेरे को सुबह मत उठाया करो, मैं सुबह नहीं उठ सकती. बट चलो ओके. तो दिस इज़ द अर्लीस्ट हम निकल सकते हैं. तो हमारे प्लान के हिसाब से हमें 8 o'clock पर करना. एंड आई एम ऑलमोस्ट रेडी, मतलब आई एम रेडी ओनली. बस मुझे अपने फुटवेयर पहनने हैं. एंड मुझे एक और चीज़ बतानी थी, जब हम ट्रैवल करते हैं तो बेस्ट चीज़ क्या होती है, एक आप कंफर्टेबल सी टी शर्ट पजामा और नीचे जो भी आपको कंफर्टेबल फुटवेयर है. आई थिंक मोस्ट कंफर्टेबल फुटवेयर इज चप्पल्स. आई लव जब हम ट्रैवल करते हैं आई ओनली वेयर चप्पल्स, क्योंकि वो इजीली आप उतार सकते हो, पहन सकते हो एंड वो कंफर्टेबल भी होती है. शूज़ आप पहनो, लेस खोलो, ये करो वो करो, बहुत झंझट लगता है मेरे को. सो मेरे लिए चप्पल्स इज़ द मोस्ट कम्फर्टेबल फुटवेयर फॉर ट्रैवल. आप मुझे कमेंट्स में बताना इफ़ यू फील द सेम और नॉट, या आपका कोई और सकता है. या सो मैं स्ट्रक्चर बता रही थी कि हम क्या क्या छोटी सी ट्रिप कैसी होगी. तो अभी हम 8 o'clock अराउंड निकलेंगे एंड फिर आज तो हम पुष्कर जा रहे हैं, विच इज़ 8 hour ड्राइव. गाइस मुझे ट्रैवल करना तो बहुत पसंद है, बट आई रियली डू कार सिक. क्या बोल रही हूँ मैं, मेरे को कार सिकनेस हो जाती है, मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकती ज़्यादा देर. बट ट्रैवल तो करना मुझे बहुत पसंद है. अब क्या करें, अब देखो गाड़ी में तो बैठना पड़ेगा. चलो कोई बात नहीं, हम बैठ जाएंगे. एंड तो यहाँ से पुष्कर 8 hour ड्राइव एंड देन उसके बाद हम कुछ जगह जाएंगे पुष्कर में, थोड़ा घूमेंगे एंड देन डिनर करके नेक्स्ट मॉर्निंग हम जयपुर के लिए निकलेंगे. मतलब थर्सडे को हम जयपुर के लिए निकलेंगे एंड वहाँ से इट्स आई थिंक 2 or 2.5 hour ड्राइव, उतना तो फिर भी चलता है. तो जयपुर के बाद वील कम बैक ऑन फ्राइडे एंड थोड़ा इवनिंग तक वापस आएंगे, क्योंकि यू नो इट्स लॉन्ग ड्राइव, 5 to 6 hours आई थिंक जयपुर से. आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट एग्जैक्ट ओके. एंड जयपुर में भी थोड़ा बहुत यू नो शूट वूट करेंगे एंड थोड़ा सा घूमेंगे. एंड जहाँ जहाँ हम जाएंगे हम जो जो करेंगे आई विल टेक यू अलॉन्ग विद मी एंड आई विल शो यू एवरीथिंग. एंड नेक्स्ट क्लिप वुड बी मी इन द कार. सो लेट्स गो. जय माता दी. गाइज वी आर एट आर फर्स्ट स्टॉप ओवर, शिमला बार खराब हो गए, मानेसर एंड मानेसर गुड़गांव. एंड हम यहाँ कुछ खाने रुके हैं हल्दीराम पे. गाइज सबका प्यारा, सबकी जान, सबका दुलारा हल्दीराम. बहुत बेकार जोक था बट आई एम सॉरी. तो हम यहाँ कुछ खाने रुके हैं, दिस इज आर फर्स्ट स्टॉप ओवर. एंड अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है हमें और मैंने 1 घंटे में नैप भी ले ली है. गाइज मैं नहीं बैठ सकती. ओके तो लेट्स सी आगे हम कहाँ रुकते हैं. अभी से 1 hour ड्राइव हुई है. वाओ सो अच्छी सनलाइट. अभी से 1 hour ड्राइव हुई है एंड 6 to 7 hours इज अभी लेफ्ट. सो विल मीट यू एट आवर सेकेंड स्टॉप ओवर. सो गाइस वी हैव फाइनली रीच्ड टू पुष्कर एंड अभी हम पहुँचे. बहुत थके हुए, बहुत हालत ख़राब है. इट वॉज़ आई थिंक 7.5 hour ड्राइव एंड अभी मैं गार्डन में बैठी हूँ होटल के. एंड
अभी बीच में थोड़ा सा चक्कर आया था, मतलब थोड़ा सा हिली हिल गया था, मेरे तो सुन के ही चक्कर आ गए थे, बट इतना होने लगा तो हमने निकाल लिया। बट अभी हम बहुत थके हुए हैं सो हम रेस्ट करेंगे एंड उसके बाद लेट्स सी कि आगे क्या होता है। एंड ओके, आई विल टेक यू सून विद माय जहाँ भी हम नेक्स्ट जाएंगे। सो हम पुष्कर सरोवर पे हैं इस टाइम एंड आप व्यू देखो गाइस, व्हाट अ व्यू, सीरियसली माउंटेन लेक, ओह गॉड आई लव दिस, आई सीरियसली लव दिस। गाइज दिस इज नेक्स्ट मॉर्निंग, टुडे इज थर्सडे एंड टाइम इज 10:16 एंड हम रेडी हो गए हैं। तो कल मैंने आपको दिखाया था हम सरोवर गए थे, मैंने सारा दिखाया था आपको, बट उसके बाद हमने मंदिर जाना था बट 8:00 मंदिर बंद हो जाता है, हम वापस आ गए थे। फिर हमने रात को डिनर किया, सॉरी मैं कुछ बता नहीं पाई क्योंकि हम बहुत थके हुए थे। एंड आज का हमारा ये प्लान है, अभी हम मंदिर जाएंगे जो है ब्रह्मा जी का वन एंड ओनली टेम्पल इन द होल वर्ल्ड, ओनली वन टेम्पल, तो इट्स वेरी स्पेशल है ना, तो हम वो देखने जाएंगे आज। एंड हम कुछ शॉपिंग भी करेंगे क्योंकि आई लव शॉपिंग, मैं कहीं जाऊँ और मैं वहाँ शॉपिंग नहीं करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अभी हम शॉपिंग करेंगे और मंदिर जाएंगे एंड देन उसके बाद वील ट्रैवल टू जयपुर विच इज़ आई थिंक अ 2-3 hour टाइम। जयपुर जाएंगे, वहाँ रुकेंगे, वहाँ थोड़ी शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे, मतलब जयपुर में हम जो भी करेंगे आई लेट यू नो। एंड मैं सेम स्पॉट पे दोबारा आ गई हूँ क्योंकि ये स्पॉट मुझे बहुत पसंद है, यू नो झूला एंड सब ग्रीनरी, आई रियली लाइक दिस। एंड वॉट एल्स, बस मुझे यही बताना था। एंड कल हमने इन्जॉय किया सरोवर पे, हमने थोड़ी बहुत पूजा भी की, मैंने आपको दिखाए दिए हुए, हमने थोड़ी बहुत पूजा भी की एंड अभी मंदिर जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, मंदिर में शूट करना अलाउड नहीं है सो आई नॉट बी एबल टू शूट, बट मैं आके आपको ज़रूर बताऊँगी कि क्या क्या देखा और क्या क्या हुआ। एंड मार्केट भी मैं आपको दिखाऊँगी कि हमने क्या क्या शॉपिंग की एंड क्या क्या मैंने लिया, एवरी थिंग मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। एंड आई सी यू आफ्टर सम टाइम। हम फाइनली जयपुर पहुंच गए, मुझे भूख लग गई थी, सॉरी मैं फिंगर खा रही हूँ। तो हम जयपुर पहुंच गए फाइनली एंड इतनी हेक्टिक ड्राइव नहीं थी क्योंकि 2-2.5 hour ड्राइव थी, इतना प्रॉब्लम नहीं था तो हम इजीली आ गए, तो ड्राइव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट हमारे साथ ना एक लॉल हो गया, पता क्या, जब हम जयपुर आ गए मतलब हम मेन सिटी में एंटर कर गए तो वहाँ से हमारा जो होटल है हिल्टन वो 10 minutes की ड्राइव थी, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ लंबा था नहीं। पर क्या हुआ, जैसे एक फ्लाईओवर था और उसके साथ एक लेन थी, मतलब ये फ्लाईओवर है, ये एक लेन थी, छोटी सी लेन थी, तो नेविगेटर हमने ओपन किया हुआ था, तो शायद हमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि हमें ये लेन लेनी थी, हमने ये फ्लाईओवर ले लिया और वो फ्लाईओवर बहुत लंबा था और वहाँ ना कोई कट ना यूटर्न, मतलब कुछ भी नहीं था, तो हम पूरा फ्लाईओवर, हमने पूरा फ्लाईओवर घूमा, ठीक है, हम ये राइट लेफ्ट इधर लेन में गए उधर लेन में गए, पूरा घूम घुमा के, ठीक है, फाइनली हम वहीं पहुँचे जहाँ हम थे पहले, मतलब यहाँ से हम चले थे, पूरा घूम घुमा के हम फिर वापस नहीं आए। जब हम यहाँ से जा रहे थे ना, तो जब हम फ्लाईओवर चढ़ रहे थे तो वहाँ हमने एक शॉप देखी थी, कोई जूस वाली शॉप थी, तो हम ऐसे बात कर रहे थे, हमने देखी, तो जब हम वापस घूम के आए ना तो जो हमारा होटल है हिल्टन वो शॉप के बिल्कुल साथ में था। कैन यू इमेजिन, मतलब हम सही जाते जाते गलत जाके फिर पूरा घूम के फिर वापस आए। बॉल लॉल हो गया हमारे पास, क्या हो रहा है मेरे को, मुझे ट्रैवल रश हो गया। मुझे ट्रैवल रश हो गया,
तो हम पूरा वो 10 मिनट का ड्राइव जो था वो 25 मिनट का हो गया, बट फाइनली ये अच्छा हुआ, देर आया दुरुस्त है, हम फाइनली आ गए होटल। एंड अब वही हम लेट्स सी, अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करके आगे क्या करते हैं आई लेट यू नो। एंड चलो अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, मुझे प्रिंगल खाने हैं। गाइस आई लव प्रिंगल्स, अगर आपको भी पसंद है ना मुझे कमेंट्स में लिखो, आई तो लव प्रिंगल्स। ओ गाइस आई एम एट हवा महल, देख सकते हैं। अभी हम अंदर शूट नहीं कर सकते, हम सॉरी फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है, पर मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ, गो इनसाइड। अभी तो हम यहाँ पे कुछ खाने और शॉपिंग करने आए हैं, सॉरी यहाँ शॉप बहुत है बट लेट्स गो। हम उठ गए थे 9:30 बजे और ब्रेकफास्ट था 10:30 तक, तो हम बिना नहाए चले गए ब्रेकफास्ट करने। अभी इट्स 10:42, हम वापस आ गए हैं एंड अभी हम थोड़ा सा नहाएंगे मतलब वी विल टेक अ बाथ, वी विल गेट रेडी एंड उसके बाद हम वापसी के लिए निकलेंगे दिल्ली जाने के लिए। बट हम ऐसे तो जाएंगे नहीं ना, जयपुर आए कहीं तो जाएंगे ना, तो हम पहले हवा महल जाएंगे, देन उसके बाद हम नाहरगढ़ फोर्ट जाएंगे एंड देन उसके बाद हम सिटी पैलेस जाएंगे। ये 3 प्लेसेस वी विल विजिट एंड वहाँ कुछ फोटोज वोटोज क्लिक करेंगे एंड मैं आपको दिखाऊंगी। यस सो यही हमारा टूर है पिंक सिटी में, जयपुर द पिंक सिटी एंड बस यही है प्लान। तो फिर उसके बाद we'll travel back to Delhi and yes, so this is it and यही तक था हमारा ट्रिप, हमारा ट्रैवल लॉग एंड होप आपको पसंद आया हो एंड I'll see you in the next video. Do like this video, subscribe to my channel, comment अगर आपको, and one more thing, मैंने पुष्कर में बहुत सारी चीज़ें खाई थी, हमने स्ट्रीट फूड खाया था बट सॉरी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं खाने की इतनी फूडी हूँ, मैं इतनी फूडी हूँ कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, मैं शूट करना भूल गई, मैं खा गई फटाफट। तो हमने खाई थी, हमने कचौड़ी खाई थी, हमने पूरी आलू खाई थी, हमने कड़ी कचौड़ी खाई थी, हमने दाल बाटी खाई थी, तो हमने मतलब ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें खाई थी वहाँ की एंड दिस इज इट। एंड कल हमने जयपुर में शॉपिंग की थी, ये मैंने आपको दिखाया ही था, पूरा मार्केट हम शाम को शॉपिंग करके आए एंड वहाँ पुष्कर में शॉपिंग करके हमारा मन ही नहीं भरा तो हमने यहाँ फिर दोबारा शॉपिंग एंड बस यही था हमारा छोटू सा क्यूट सू ट्रिप। बाय बाय, मेरे को रेडी होना है।